ब्लैक ड्रैगन मोराकान, मोराकान माउंटेन। ये जगह तूफान से घिरी हुई है और इस जगह का नाम इस ड्रैगन के ऊपर ही रखा गया है। काफी सालों पहले इस जगह को मोराकानी रूल किया करता था, पर एक दिन करीब 1000 साल पहले टेमर के साथ उसकी बैटल हुई जिसमें वो हार गया। कहा जाता है कि माउंटेन और स्टॉर्म कैसल को हार जाने के बाद मोराकान एक गहरी नींद में चला गया, परंतु ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मोराकान कोई दुश्मन नहीं है, वो तो पहले फैमिली हेड का एक गार्डियन ड्रैगन था और साथ ही साथ दोस्त भी था। पहले फैमिली हेड ने गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, साथ ही साथ उनका एक साथी था गार्डियन ड्रैगन जो कि हमेशा उनके साथ रहा करता था। पर सॉलिडन ड्रैगन के बारे में हमारे फैमिली में किसी को भी नहीं पता, ये एक मिस्ट्री है। पर ये सेंस भी बनाता है क्योंकि मोराकान अब तक एक डीपर स्लीप में था। जिनवर यहाँ पे सोचता है अगर मोराकान उठ चुका है तो मुझे भी शायद एक गार्डियन ड्रैगन मिल सकता है। ये फिर इसे कहते हैं कि मैं वापस आ गया, ये कहते हैं कि तुम वापस आ गए, ये कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ। दरअसल मोराकान को उठे हुए काफी महीने बीत चुके और जिन उसे बीच बीच में विजिट करता रहता है ताकि वो उसके और टेमर के बारे में जान सके, पर मोराकान को कुछ भी याद नहीं है क्योंकि 1000 साल बीत चुके हैं। पर एक चीज इसने यहाँ पे रिसेंटली डिस्कवर की है कि मोराकान स्ट्रॉबेरी पाई के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे मोराकान फिर से पूछता है कि आखिरकार जब तुम यहाँ पे आते हो तो तुम क्या करते हो। यह कहता है कि मैं इन बुक को ट्रांसलेट करके अपने बुक पे लिखता हूँ, क्योंकि अगर इन सीक्रेट टॉम्स को मैं अपने साथ ले गया तो वो लोग इस चीज को डिस्कवर कर लेंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। ये कहता है क्या तुम इस चीज को समझ पाते हो। ये कहता है कि हाँ लगभग 30% के करीब। तो ये थोड़ा उदास होता है। मोराकान इसे कहता है कि तुम्हें उदास होना नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसे एज के बच्चे इस चीज को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। ये कहता है वो दूसरों के लिए है क्योंकि मैं एक रन कैंडल हूँ, मुझे इससे ज्यादा आना चाहिए। मेरे पीछे मेरे बड़े भाई और बड़ी बहने हैं और साथ ही साथ मेरे फादर मदर और एल्डर्स भी है। अगर मुझे उन सबको सरपास करना है तो मुझे इससे ज्यादा नॉलेज को अचीव करना पड़ेगा। मोराकान तुम्हें क्या लगता है पहले फैमिली हेड इस बुक को कितना समझती होंगे। अगर मैं अपने आप को हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट बींग से कंपेयर करूँ तो आखिरकार अभी मैं कहाँ पे हूँ। ये कहता कि टेमर वो जब तुम्हारी उम्र का था वो इस बुक के एक भी शब्द को नहीं पढ़ पाता था। थ्योरी कभी भी तुम्हारी रियल बैटल में मदद नहीं करेगी, वो बिना बुक पढ़े लड़ाई किया करता था। तुम्हारे पास भी टेमर जैसा टैलेंट है पर उतना नहीं जितना उसके अंदर था। तो ये कहता है क्या मैं कभी भी उस जैसा नहीं बन पाऊंगा। ये कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, तुम सॉलिड एंड के कॉन्ट्रैक्टर हो जैसे टेमर था और तुम्हारे पास बुक को रीड करने का दिमाग भी है, पर अभी तुम सिर्फ बच्चे हो तो तुम्हें नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करनी चाहिए। इतने इंपेशेंट मत बनो, अगर तुमने ये कर लिया तो तुम टेमर जैसे ताकतवर बन जाओगे और क्या पता एक दिन तुम उसे सरपास भी कर लो। ये कहता है कि तुम्हें लगता है। ये कहता है कि हाँ बच्चे तुम्हें पता है सॉलिड एंड का निकनेम क्या है। ये कहता है कि नहीं। ये कहता है उसका नाम इन्फिनाइट है, इसका मतलब उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है, और तुम उसके कॉन्ट्रैक्टर हो इसका मतलब तुम्हारी पावर की भी कोई लिमिट नहीं है। तो उदास मत हो और चीयर अप हो जाओ, मैं तुम्हें एक नई स्किल सिखाऊंगा ताकि तुम अच्छा फील कर सको। ये पूछता है वो क्या है। ये बताता है वो है स्पिरिचुअल रिलीज। ये कहता है स्पिरिचुअल रिलीज क्या होता है। ये बताता है कि स्पिरिचुअल रिलीज जो है वो हर मास्टर को आनी चाहिए। ये स्पिरिचुअल एनर्जी के अंत और शुरुआत है, पर ये काफी खतरनाक हो सकता है, तो सबसे पहले तुम अपना टाइम लो और चीज को ध्यान से सीखो। ये कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, पर मुझे क्या सीखना है। ये कहता है कि तुम्हें पहले मान रिलीज सीखना है, पर मोराकान को पता नहीं होता है कि जिनको ऑलरेडी मान रिलीज आती है। ये फिर से बताती है कि तुम्हें 2 स्किल सीखना पड़ेगा ताकि तुम इस चीज को यूज कर सको, और इसमें तुम्हें करीब 2 से 3 साल लग जाएंगे। तो ये इसे सामने दिखा देता है, यही मान रिलीज है ना, मैंने इसे सीख लिया। ये कहता है कि आखिरकार तुमने इतनी जल्दी इसे कैसे कर लिया। ये कहता है कि मैं तो ये आसानी से कर सकता हूँ, साथ ही साथ मैं अपने मानक को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। मोराकान इसे कहता है एक ब्राइटेस्ट जीनियस ही कर सकता है, सचमुच तुम टैलेंटेड हो, मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा स्पिरिचुअल रिलीज क्या होता है। मोराकान फिर यहाँ पे स्पिरिचुअल रिलीज का यूज करने लग जाता है और इसे बताता है कि स्पिरिचुअल पावर शैडो से खींची जाती है और शैडो सॉलिड एंड के विल से बने हुए है। इसका मतलब वो उन सबका मास्टर है और तुम अकेले एक कॉन्ट्रैक्टर हो सॉलिड एंड के, इसका मतलब तुम इन सभी शैडोज के मास्टर हो। ये देख के जिन काफी हैरान होता है, वही पे हमें लूना के यहाँ दिखा जाता है जहाँ पे ये काफी सारे मॉन्स्टर को मार के एरिया को क्लियर कर रही होती है। यहाँ पे इसका सोल्जर इसे बताता है इस एरिया को हम ऑलरेडी क्लीन कर चुके हैं, अब बस 5 एरियाज रह गए, अगर उसे हमने क्लियर कर दिया तो ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। ये कहती है कि ये तो अच्छी बात है, 4 महीने काफी रहेंगे, सारे नाइट को आराम करने के लिए कह दो। पर क्या तुम्हें पता है कि 9 साल के बच्चे को क्या पसंद आता है। फिर करीब 1 साल के बाद टूना ट्विंस 10 साल के हो जाते हैं और स्टॉर्म कैसल को छोड़ के चले जाती है, और जेन करीब 9 साल का हो जाता है और आज उसका बर्थडे होता है और गिली ने उसके लिए केक बनाया होता है। ये इन सभी का शुक्रिया करता है, पर तब यहाँ पे खान आ जाता है जो कि इसे बताता कि मुझे माफ करना मैं जल्दी में आ गया, पर लेडी लूना आपसे मिलने के लिए आई है। रन कैंडल फैमिली की फर्स्ट फ्लैग बैरियर 9 स्टार नाइट और जो सबसे बड़ी है भाइयों बहनों में ये व्हाइट व्हील लूनर रन कैंडल जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर है सिब्लिंग्स में, पर वो फैमिली हेड बनने की डिजायर को कब के पीछे छोड़ चुकी है। वो सचमुच एक व्हाइट व्हील है जो हमेशा अकेले चलती है और उसी वजह से लूना ने कभी भी किसी भी सिब्लिंग के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, और एक पॉइंट पे आने के बाद वो मेरे लिए फैमिली से ज्यादा एक स्ट्रेंजर थी, हम दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस था।
पर जेन सोचता है कि आखिरकार वो यहाँ पे इसे मिलने के लिए क्यों आई है। जेन फिर यहाँ पे लूना से मिलने के लिए जाता है, जहाँ लूना इसे कहती है कि तुम काफी बड़े हो चुके हो। जेन इसे कहता है कि अगर वो इसे नोटिस देती तो यहाँ पे काफी कुछ ही इसके लिए प्रिपेयर कर सकता था। पर लूना इसे कहती है कि वो इसका छोटा भाई है तो वो उसे कभी विजिट कर सकती है। पर ये इसे कहती है कि तुम बीमार हो, तुम काफी अनकंफर्टेबल लग रहे हो। ये इसे बताता है कि वो पहली बार लूना को बहुत करीब से देख रहा है, इसी वजह से वो थोड़ा नर्वस है। लूना समझ आती है कि रन कैंडल फैमिली का कस्टम ही ऐसा है कि उसमें सिबलिंग्स को एक दूसरे को क्रश करना होता है, तो जिनका ये सोचना बिल्कुल जायज है। ये फिर इसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम यंग हो, पर मैं भूल गई थी कि तुम भी रन कैंडल क्लैन की एक मेंबर हो, तो मुझे माफ करना, पर मैं अपने छोटे भाई से प्राइवेट में कुछ बात करना चाहती हूँ, तो क्या तुम अपने नैनी को बाहर भेज सकते हो। जेन इस चीज के लिए मान जाता है और गिली को बाहर भेज देता है, जिसके बाद यहाँ लूना इसे सब कुछ बताती है कि जब इसके फादर यहाँ पे आए थे तो जिन्हें सभी सिबलिंग्स का अटेंशन खींच लिया था अपनी तरफ, और जब ये स्टॉर्म कैसल के बाहर जाएगा तो सभी सिबलिंग्स इसके खिलाफ हो जाएंगे। तो वो चाहती है कि वो उस घटिया से फैमिली के कस्टम में शामिल ना हो। जिन समझ जाता है कि लूना को उसकी परवाह, इसी वजह से वो इसे ये कहने के लिए आई है। जेन इसका शुक्रिया करता है और बताता है कि फाइट से दूर रहने का इसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। लूना इसे समझाती है वो सचमुच सीरियस है और वो यहाँ पे इसे समझ के नहीं आई है। ये कहता है कि उसे पता है क्योंकि ऑलरेडी उसे कोई असैसिनेट करने की कोशिश कर चुका है। ये फिर से पूछते है कि आखिरकार वो कौन सा सिबलिंग था जिसने ऐसी घटिया हरकत की। जिन बताता है इसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, पर वो बिल्कुल ठीक है तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जान के इसे खुशी हुई कि सारे सिबलिंग इससे नफरत नहीं करते। लूना फिर से गले लगाते हुए कहती कि लगता है तुम फैमिली के इस घटिया से फाइट में शामिल हो ही चुके हो, मुझे माफ करना। ये कहता है कि चिंता मत करो, आपको बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहती कि तुम्हें बिल्कुल सही कहा, आज खुशी का दिन है, आज तुम्हारा बर्थडे है, और दरअसल मैं तुम्हें यहाँ पे आज एक बर्थडे प्रेजेंट देने के लिए आई थी। ये एक पेंडेंट होता है। लूना इसे बताती कि जहाँ कहीं भी हो, अगर इसने इस पेंडेंट को तोड़ दिया तो वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए आ जाएगी। ये दोनों भाई बहन फिर एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम बिताते हैं और थोड़ी देर के बाद लूना यहाँ से चले जाती है। पर जिन यहाँ पे जब मोरखान से मिलने के लिए जाता है तो उसे देख के हैरान हो जाता है। मोरखान इसे कहता है कि आखिरकार वो पेंडेंट तुम्हें किसने दिया, तुम्हें पता भी है वो काफी वैल्यूएबल चीज है, जिसने भी ये तुम्हें दिया है लगता है वो तुम्हें काफी पसंद करता है। इस आइटम का नाम है डेमोनिक किंग ऑर्गल, जो की काफी कीमती होता है। इस आइटम को पाने के लिए हजारों साल पहले काफी सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ये आइटम तुम्हें काफी सारी चीजें देता है, जैसे की इम्यूनिटी, मैजिक और भी तुम काफी सारी अलग अलग चीजें कर सकती हो। ये कहता है कि तुम्हें इस बारे में काफी कुछ पता है। ये कहता है कि हाँ, मैं काफी समय से जिंदा हूँ, इस वजह से मुझे काफी कुछ पता है। लगता है थोड़ी देर पहले जो पावरफुल एनर्जी वाले इंसान यहाँ पे आए थे उसने ये तुम्हें दिया। ये कहता है कि हाँ, वो मेरी बड़ी बहन है। तो ये कहता है कि लगता है तुम्हारी बहन को मेरी एनर्जी फील हो चुकी है। जिन पूछता है क्या वो इस बारे में सबको बता तो नहीं देखी गई। ये कहता है कि घबराओ मत, अगर वो तुम्हें इतनी कीमती चीज दे सकती है तो तुम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी बड़ी बहन है। जिनको लगा करता था कि जो समय वो स्टॉर्म कैसल के यहाँ पे बिताएगा वो काफी बोरिंग होने वाला है, पर उसने इस चीज से काफी सारी चीजें गेन की है। पहली चीज जो उसने गेन की है वो है अपने पिता का भरोसा, दूसरी चीज उसकी सिस्टर मारी ने उसे दी है जो कि है फोनिक्स का हार्ट, और तीसरी चीज वो अपनी बड़ी बहन लूना के साथ कनेक्शन बिल्ड करने में कामयाब हुआ। साथ ही साथ वो गार्डियन ड्रैगन मोरखान से भी मिला। इन सब चीजों के बारे में ये पिछली जिंदगी में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। कहानी में फिर एक साल बीत जाता है और हम देखते हैं जिनको, जो कि अब बड़ा हो चुका होता है और स्ट्रॉम कैसल को छोड़ चुका होता है और घर जाने की प्रिपरेशन शुरू कर चुका होता है। यहाँ पे एक खान के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और खान को भी एहसास होता है कि एक रन कैंडल सचमुच काफी ताकतवर होता है, अगर वो अपनी जी जान से किसी के ऊपर हमला करे तो वो किसी को भी मार सकता है। खान फिर यहाँ पे इसे कहता है कि आज की हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई। ये कहता है कि ठीक है। ये फिर इसे कहता है कि यंग मास्टर, ये मेरी खुशनसीबी थी कि मैं अब तक आपको इंस्ट्रक्ट कर पाया, और मुझे पता है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं, आप कुछ ही दिनों में स्टॉर्म कैसल को छोड़ के चले जाओगे, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक आप यहाँ पे हो मैं आपको बेस्ट ट्रेनिंग देता रहूंगा। ये कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे जिन कैंडल के अंदर अपनी उंगली दे रहा होता है पर उसे कुछ नहीं हो रहा होता। यहाँ पे गिली से पूछती है क्या उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा। ये कहता है कि ये सिर्फ गर्म पानी जैसा लग रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे अच्छा लगा कि मैरी ने हमें ये गिफ्ट दिया, ये काफी काम के साबित हुआ है। गिले कहते कि इससे पहले मैंने सिर्फ फोनिक्स हार्ट के बारे में सुना था, पर पहली बार मैं उसका इफेक्ट होते हुए अपने आंखों के सामने देख रही हूँ। ये कहता कि तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अब तक जिन ने पूरी तरह फोनिक्स के हार्ट को ऑब्जॉर्व नहीं किया होता है, पर कुछ ही सालों में ये उसे ऑब्जॉर्व कर जाएगा। गिले फिर जिन के यहाँ पे सामानों को पैक करने लग जाती है। वह जिन यहाँ पे मोरखान से मिलने के लिए जाता है
जहाँ ये उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना हम कल निकलने वाले हैं। ये कहता है कि मुझे पता है, चिंता मत करो, मैं लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहे कितना भी कमजोर हो जाऊँ, ये चीज मेरे लिए एक पीस ऑफ केक की तरह है, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा फॉलो करते रहूंगा। जिन कहता है कि तुम कमजोर हो, इस बारे में मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। ये कहता है कि चलो भी यार, मैं 1000 साल से सो रहा था, तुम्हें लगता है कि मैं एकदम परफेक्ट शेप में हूँ। तो ये कहता है क्या तुम अपनी ताकत को दोबारा से गेन कर सकते हो। ये कहता है कि हाँ, तुम जितने ताकतवर बनोगे उतना ही ताकतवर मैं बनूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा गार्डियन ड्रैगन हूँ। तो जल्दी करो और जल्दी जल्दी ताकतवर बन जाओ, मैजिक स्वॉर्डमैन टीमर जैसे। ये कहता है कि हाँ, तुमने कहा था कि रन कैंडल फैमिली ओरिजिनली एक मैजिक स्वॉर्ड फैमिली थी। दरअसल सॉलिडन ने एक बार जिनको बताया था कि रन कैंडल क्लैन जो है वो ओरिजिनली मैजिक स्वॉर्डमैन की फैमिली थी, और पहले फैमिली हेड दुनिया के सबसे ताकतवर मैजिक स्वॉर्डमैन थे, पर कुछ रीजंस की वजह से इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। दरअसल काफी हजारों साल पहले रन कैंडल फैमिली को ह्यूमिलेशन ओथ से गुजरना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने रन कैंडल फैमिली में मैजिक पूरी तरह बैन कर दिया। वैसे तो लोग अभी मेरी तारीफ करते हैं कि मैं फैमिली का गार्डियन हूँ, पर मैं श्योर हूँ अगर मैं उनके सामने आ गया तो वो काफी अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अगर यही चीज 1000 साल पहले हुई होती तो सब लोग हमारी तारीफ करते, हर कोई हमारी इज्जत करता, क्योंकि हम दुनिया में सबसे ताकतवर थे और तुम्हारी भी वहाँ पे काफी इज्जत होती। तो ये कहता है कि रन कैंडल सचमुच ऐसा करते हैं क्या? ये कहता है ये कहानियों में अच्छा लगता है, तो चिंता मत करो, मैं अच्छे से छुपने की पूरी कोशिश करूंगा। ये कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, पर आखिरकार उस चीज का तुम क्या करने वाले हो? अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो हम पकड़े जाएंगे। और खान कहता है कि चिंता मत करो, मैं अपना एक डबल गैंगर यहाँ पे छोड़ के जाऊंगा। तो ये कहता है कि अगर उस बारे में किसी को पता चल गया तो? ये कहता है कि मैं शैडो ड्रैगन हूँ, तुम्हें पता है मेरी ताकत कितनी है, डुप्लीकेट को मैं सोते हुए भी कंट्रोल कर सकता हूँ, और मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, पर जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते तब तक मैं इसे आसानी से संभाल सकता हूँ, तो जल्दी से बड़े हो जाओ। ये फिर इसका शुक्रिया करते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ, और ये होता है स्ट्रॉबेरी और वाइन, जो कि ये गिली के पीठ पीछे छुपा के लाया होता है। और खान इन सभी चीजों के लिए इसका शुक्रिया करता है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे गिली जिनको तैयार कर चुकी होती है ताकि ये जगह से बाहर निकल सके। इन्हें गाइड करने के लिए यहाँ पे दो नाइट्स आए होते हैं, जेरेम और होल्ट्स, जो कि इन्हें गार्डन ऑफ स्वॉर्ड्स तक गाइड करेंगे। और ये सब 1790 अक्टूबर 30 को स्टॉर्म कैसल से फाइनली बाहर निकल जाती है ताकि ये रन कैंडल फैमिली के मेन हाउस तक पहुंच सके। पर कुछ समय के बाद यहाँ पे स्नोफॉल होने लग जाती है, जिस वजह से ये लोग सोचते हैं कि लगता है हमें आसपास के विलेज में रुकना पड़ेगा। पर तभी ये लोग कैरेज को ब्रेक लगा देते हैं और इनकी नाइट्स इन्हें बताते हैं कि बाहर किसने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, आप दोनों अंदर ही रहिए। गिली यहाँ पे जिनको समझाती है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो दोनों 7-स्टार नाइट है और साथ ही मैं भी आपके साइड में ही हूँ, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर करीब 20 वॉरियर और कुछ मैजिशियन है, और हो सकता है वहाँ पे आर्चर्स भी हो। पर ये कहता है कि गिली हमें तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा, रन कैंडल फैमिली के गार्डियन नाइट्स कभी भी रन कैंडल के बच्चों को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, उनमें से एक या दो को हमेशा उसके साथ रहना पड़ता है। इसका मतलब या तो वो दोनों फेक है या फिर ट्रेटर्स, हो सकता है कि उन दोनों ने कैरेज के यहाँ पे कुछ लगाया हो, हमें तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो गिली कहती कि मैं आपकी बात समझ गई, आज के बाद मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रहूंगी। और ये दोनों उस कैरेज से किसी तरह बाहर निकल आते हैं और तभी वो कैरेज फट जाता है। जिन यहाँ पे गिली को कहता है कि जहाँ पे वो दोनों गए हमें वहाँ पे चलना चाहिए, हो सकता है कि जो उनसे लड़ रहे वो हमारे दोस्त हो। ये लोग फिर वहाँ पे पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि जो रन कैंडल फैमिली के नाइट्स होते हैं वो इन लोगों से लड़ रहे होते हैं। इसका मतलब जिनका शक सही निकला, उतने में यहाँ पे एक बंदा के कहता है कि मैं वाइस कैप्टन हूँ ब्लैक किंग मर्सनरीज का, और हम यहाँ पे जिन रन कैंडल को गाइड करने के लिए आए थे, पर ये दोनों आपको धोखा देके अपने साथ ले जा रहे थे ताकि वो आपको मार सके। जिन समझ जाता है कि इन लोगों ने इसे बेटर नहीं किया, ये लोग फेक थे, वरना 7-स्टार नाइट कभी भी इतने लोगों से लड़ते हुए स्ट्रगल नहीं करते। गिली फिर इन लोगों से पूछती है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे। ये लोग कहते हैं कि कितना प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं रन कैंडल के कुत्तों के सामने अपना मुंह खोलूंगा? गिली फिर यहाँ पे जिनसे पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए यंग मास्टर, ये कहता है कि उनमें से एक को मार दो और एक का हाथ काट के मेरे सामने लाओ। और ये ऐसी करती है, ये अपनी पूरी ताकत से एक को तो मार गिराती है और दूसरे का हाथ काट देती है और जिनके पास ले जाने लग जाती है। जिन्हें कहता है कि लगता तुम्हारे मास्टर ने हमें ओवर एस्टिमेट कर लिया अपने ओपोनेंट की तरह, अगर तुम्हें रन कैंडल की नैनी बनना है तो तुम्हें करीब 7-स्टार का वॉरियर होना जरूरी है। अगर तुम्हें सचमुच रन कैंडल के बच्चे को असैसिनेट करना है तो तुम्हें कम से कम 8-स्टार की नाइट की जरूरत पड़ेगी उसे मारने के लिए। पर वो आदमी कहता है कि मुझे हंसी मत दिलाओ, ये सिर्फ एक वार्निंग थी कि रन कैंडल का एरा जल्दी खत्म होने वाला है। जिन कहता है कि मैं भी तो यही चाहता हूँ, मुझे एरा ऑफ रन कैंडल नहीं, एरा ऑफ जिन रन कैंडल चाहिए। ये आदमी फिर मरने से पहले कहता है कि ग्लोरी टू ग्रेट जेपल्स। इसकी ये बात सुन के ये समझ आता है कि ये मैजिशियन की वो फैमिली है जो कि आधी दुनिया को रूल करती है, जेपल्स, जो कि रन कैंडल से बिल्कुल अलग है। जहाँ रन कैंडल स्वॉर्डमैनशिप के पीक तक पहुँचना चाहती है, वही वो यहाँ पे मैजिक के पीक तक पहुँचना चाहती है।
करीब 1000 साल पहले जब पहले फैमिली हेडरेंट कैंडल के गुजर गए, उस टाइम जेपल ने फोर्स किया ह्यूमिलेटिंग ओर्थ को, जिस वजह से रन कैंडल की जितनी भी मैजिक थी वो फॉरबिडन हो गया और ओर्थ की वजह से रन कैंडल फैमिली कभी भी मैजिक यूज नहीं कर पाए। मैजिक उनके लिए सील्ड हो गया हमेशा के लिए और रन कैंडल फैमिली के लिए जेपल परिवार करीब 1000 साल से एक दुश्मन की तरह है। जेनिफर से कहता है कि मैं भी सोच रहा था कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा बोल्ड कैसे हो सकती हो, तो तुम जेपल के फॉलोवर हो। ये फिर गिली को कहता है कि गिली इसे आसपास कहीं फेंक दो, ये हमारे सवाल पूछने की भी लायक नहीं है। पर जिन सोच रहा होता है कि रन कैंडल और जेपल परिवार हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं और नॉर्मली वो एक दूसरे के खिलाफ ऐसी चीजें करते रहते हैं, पर आज जो चीज हुई है वो नॉर्मल दिनों से बिल्कुल अलग है। इसमें किसी अकेले इंसान का हाथ है। चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, पर तुम 7 स्टार की मार्शल आर्टिस्ट को ऐसे धोखा नहीं दे सकते। क्या इसमें उस आदमी का तो हाथ नहीं है? गिली फिर जिन को कहती है कि जैसा आपने कहा था मैंने उसे बर्फ यहाँ पे फेंक दिया। ये कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, जिसके बाद ये इस कैप्टन को कहता है कि तुम्हारा मूर्खा है ना, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम वहाँ से भाग पाए क्योंकि तुम उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं तुम्हें अच्छे से एक इनाम दिलवाऊंगा। जब तक हम गेट तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमारा अच्छे से ख्याल रखना। ये कहता है कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, जिसके बाद ये लोग अपने सफर के लिए आगे निकल जाती है। पर गिली से पूछती है कि उन दोनों को ऐसे छोड़ना ठीक रहेगा क्या? ये कहता है कि हाँ, ये एक एग्जांपल सेट करेगा कि आप रन कैंडल फैमिली के बच्चों के ऊपर हमला करोगे तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। गिली फिर से कहती है कि करीब 2 घंटे की दूरी पे एक विलेज है, हम वहाँ पे रुक सकते हैं। ये कहता है कि हाँ, जब स्नो खत्म हो जाएगी तब हम आगे निकलेंगे। पर गिली, आज जो कुछ भी हो तो मैं उसके लिए अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। अगर कोई 9-स्टार नाइट भी होता तो वो भी इस चीज को नोटिस नहीं कर पाता। पर जिनके काफी समझाने के बाद भी गिली कुछ भी नहीं समझती और उसे माफी मांगती है। जिन समझ जाता है कि गिली बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। दरअसल रन कैंडल फैमिली में जो भी नैनी जिस भी बच्चे का ख्याल रखती है वो उस बच्चे के साथ अपना फेथ शेयर करती है। पिछले लाइफ में भी गिली ही जिनकी नैनी थी जो कि उसका ख्याल रखा करती थी, और क्योंकि जिन कमजोर था तो गिली को भी वो सारी चीजें सहनी पड़ती थी जो जिनके साथ हुआ करती थी। पर गिली ने कभी भी जिन को ब्लेम नहीं किया और जिस दिन जिन को घर से बाहर निकाल दिया गया उस दिन उसी के साथ गिली को भी बाहर निकाल दिया गया था। पर गिली ने अपना सर झुकाते हुए कहा कि मुझे माफ कर दीजिए यंग मास्टर, मैं आपको अच्छे से सर्व नहीं कर पाई। इसी वजह से वो कभी भी गिली से सख्ती से बात नहीं करता, पर वो उसे ताकतवर बनाना चाहता है। तो वो गिली को कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ तुम्हें उसके लिए अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तुम मेरी नैनी हो और तुम मेरे अकेले ही गार्डियन नाइट हो। इन छोटी मोटी चीजों को तुम्हें अपने दिल से नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐसे ही रहा तो तुम आखिरकार भविष्य मुझे कैसे स्कोर्ट करोगी? मुझे वर्ड्स को रिपीट करना पसंद नहीं है, क्या तुम समझ गई हो? ये कहती कि यंग मास्टर मैं समझ गई, मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगी। गिली समझ आती कि जो भी यंग मास्टर ने कहा वो बिल्कुल सच है और उसे छोटी मोटी बातों को अपने दिल पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिर यहाँ पे मोटिवेट हो जाती है। इसके बाद ये लोग एक होटल के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ जिन सोच रहा होता है कि वो गार्ड्स फेक थे। अगर मेरा अनुमान ठीक है तो उसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि इन चीजों में उसने इंटरफेयर किया है। द ट्रांसफॉर्मर बू वार्ड गैस्टोन, ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन की प्रिविलेज है, पर हर ड्रैगन एकदम परफेक्टली ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है। एक बुवार्ड ही है जो कि एकदम परफेक्टली ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जिस वजह से उसने अपनी शक्तियों का यूज करके काफी सारे क्राइम्स कमिट किए हैं और उसने दुनिया में तबाही भी लाई है। अगर वो सचमुच बुवार्ड है तो उसे हैंडल करना काफी पेनफुल होने वाला है, पर अब तक उसने कुछ भी बड़ा क्राइम नहीं किया है। मेरे पिछले लाइफ में वेरमोट स्पेशल फोर्स ने उसे पकड़ लिया था जब मैं 20 साल का था। अगर मैं उसे अपना साथी बना लूं तो वो काफी यूजफुल हो सकता है, पर मेरे पास ऐसा कोई सा भी रीजन नहीं है जो इंसान मुझे मारने की कोशिश कर रहा है उसे मैं अपना साथी बना लूं। पर इससे पहले वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाए मैं उसे देखना चाहता हूँ, क्या पता वो पिछली लाइफ से इस वाले में थोड़ा डिफरेंट हो। जेनिफर यहाँ पे सो जाता है और गिली बाहर चली जाती है ताकि वो उसे डिस्टर्ब ना करे। पर थोड़ी देर के बाद जिनकी आंखें खुल जाती है क्योंकि एक बिल्ला यहाँ पे उसकी खिड़की पे नॉक नॉक कर रहा होता है। जब वो उसे देखता है तो यहाँ पे जिन शॉक में चले जाता है। इसे देख के ये समझ जाता है ये और कोई नहीं, ये मोरखान है जो कि छुपके से इसके साथ यहाँ पे आया है। यहाँ पे इस खिड़की को बंद कर देता है ताकि वो मोरखान को अंदर आने ना दे, पर यहाँ पे मोरखान काफी गुस्से में होता है तो वो उसे अंदर आने देता है। जिनफिर इसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम कोई हॉर्स होंगी या फिर किसी सर्वेंट का रूप लोगे। ये कहता है कि अगर मैं उनमें से किसी का भी रूप लेता तो वो लोग समझ जाते। पर तभी मोरखान का पांव एक लकड़ी से टकरा जाता और वो सीधा दीवार के ऊपर गिरता है। इसकी आवाज सुन के गिली यहाँ पे आ जाती है और पूछती है यंग मास्टर सब कुछ ठीक तो है ना? पर जब वो मोरखान को देखती है तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाने की? इससे पहले मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े कर दूं
तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। किने से समझाता है कि गिली वो पर्सन नहीं है जो तुम समझ रही हो, पर जैसे ही मोरखान यहाँ पे गिली का नाम सुनता है वो कहता है कि तुम तो मेरी स्ट्रॉबेरी पाए हो, फाइनली हम दोनों मिल गए। पर गिली इसका ऐसा चेहरा देख के काफी डिसगस्टिंग सा फेस बना लेती है और यहाँ से जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूला। हम ऐसी वीडियो बनाते रहते तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 200 लाइक्स का। अगर ये कंप्लीट करवा देते हो तो उसका अगला पार्ट मैं ले आऊंगा और वो जल्दी ही ले आऊंगा। आखिर में जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आपसे बड़ी होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।